जय हिरेंद्र फ्रेंड्स, मैं हूं नीता शाह बरोड़ा से आप सबका अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के लाइव सेशन में स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूं रेसिपी प्योर होममेड जैन पनीर के गुलाब जामुन। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है और ये पूरा जैन प्रोसेस हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने किचन में लेके जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज बनाएंगे पनीर में से गुलाब जामुन। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी बनेगी और ये रेसिपी हम अमूल के प्योर घी में से और अमूल का जो गोल्ड मिल्क आता है उसमें से बनाएंगे। आपको पता है कि जैसे पनीर यानी कि छेना बनाते हैं तो गाय का मिल्क यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम अमूल के लाइव सेशन में ये रेसिपी दिखा रहे और अमूल के प्रोडक्ट से ही हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी मैंने यहाँ पे लिया है अमूल का प्योर घी। ये हमने फुल फैट गोल्ड मिल्क आता है अमूल का, जो मैंने दो पैकेट निकाले हैं, गरम करके रखा है। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से हमने दो पैकेट अमूल गोल्ड मिल्क लिया था और उसको गरम किया है। अब इसमें से हम थोड़ा जो ऊपर मलाई आ गई है, क्योंकि ये फुल फैट मिल्क है, आप चाहो तो अमूल का जो शक्ति मिल्क आता है उससे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो अभी हम इसमें से जो मलाई है उसको निकाल लेंगे। सिर्फ एक बार बॉईल किया है मैंने, ओनली अभी 2 आवर्स पहले ही मैंने इसको गरम करके रखा था और इसमें मैंने कुछ भी डाला नहीं है। मैंने अमूल गोल्ड मिल्क लिया है, आप चाहो तो अमूल का शक्ति मिल्क भी यूज कर सकते हो। ये गुलाब जामुन बहुत ही डिलीशियस बनेगा, होममेड बनेगा। यहाँ पे मैंने लेमन जूस लिया है, जितना मैंने मीडियम साइज के 2 लेमन लिया था उसके अंदर जितना रस निकला था, जूस निकला, उसी के लेवल का हमने पानी डाला है। और ये प्योर घी है और ये चीनी है। तो पहले हमने जो मिल्क
बॉईल करके रखा था उसको चालू कर देते हैं। और ये हमने यहाँ पे 300 ग्राम शुगर ली है, उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं और इसको हम एक तार से भी थोड़ा कम, यानी कि पूरा एक तार भी नहीं करना, उसे थोड़ा सा कम रखना है और उसकी हमें चाशनी बनानी है। और ये मैं अपने दूसरे गैस पे रख देती हूँ। इसका थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन गुलाब जामुन बहुत ही इजी और इंस्टेंट बनेगा। बस एक थोड़ा हल्का सा गरम हो जाए, उसके बाद हम लेमन जूस और जो वाटर मिक्स करके हमने रखा है धीरे धीरे डालते हुए उसको हमें फाड़ना है, ताकि इसमें से छेना निकलेगा। जनरली हम छेना गाय के दूध में से बनाते हैं, लेकिन आज हम अमूल के गोल्ड मिल्क में से बना रहे हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पे चाशनी भी रख दी है, शक्कर शुगर सिरप बना रहे हैं, शक्कर डाल के इसके अंदर हमने पानी डाला है। ये हमने मिल्क को वापस गरम करना चालू किया है, थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दो बार गरम कीजिए, लेकिन प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखा था। और यहाँ पे हम गुलाब जामुन बन जाएगा, उसके बाद में हम जो सिल्वर लिप यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं ऑलवेज जैन वराक, यानी कि 100% वेजिटेरियन है, प्योर गारंटेड है, 100% सिल्वर लिप है, चांदी के वर्क है, ये हम ऊपर से गार्निश के लिए यूज करेंगे। इसमें कोई भी एनिमल का यूज नहीं होता है, मशीन में बनाया जाता है। वैसे तो ये गर्म ही है, हमने यहाँ पे 2 मीडियम लेमन यानी कि नींबू लिया था, उसमें से रस निकाला और लेमन का जितना रस निकला उतना ही हमने वाटर ऐड किया है, नॉर्मल पानी ऐड किया है, क्योंकि लेमन जूस बहुत खट्टा होता है और एक उसकी टिपिकल स्मेल रहती है, लेमन के करोमा जो आती है वो इसके अंदर बैठ न जाए, इसीलिए हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आप अगर विनेगर यूज करना चाहते तो उससे भी फाड़ सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पे प्योर जैनिज्म फॉलो करते हुए आपको रेसिपी बता रही हूँ, इसलिए मैंने लेमन जूस का यूज किया है। और हम जो शक्कर की चाशनी यानी कि शुगर सिरप बनाएंगे तो वो हमें पूरा एक तार नहीं करना है, एक तार से भी कम, एकदम पतली और थोड़ा सा चिपचिपी होने लगे वैसी चाशनी रखनी है। बिकॉज गुलाब जामुन में आपको पता होगा कि एक तार भी आने नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे हम गुलाब जामुन को डीप करेंगे उसके बाद वो पड़ा पड़ा बहुत ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा। देखिए ये हमारा मिल्क गर्म हो रहा है, बॉईल होने आया है वापस। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डालेंगे। ये मैंने लेमन जूस और पानी को इक्वल प्रपोर्शन में रेडी किया है। पहले मैं 1 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ, हमें जितना चाहिएगा उतनी मात्रा में डालेंगे, एक साथ आपको नहीं डालना है, बिकॉज कभी कभी बहुत कम क्वांटिटी में भी लेमन जूस ऐड करते तो भी पनीर बन जाता है, और पनीर हमें एकदम सॉफ्ट वाला चाहिए, बिकॉज हमें गुलाब जामुन बनाना है, पनीर को हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है, इसलिए हम इसमें बहुत धीरे धीरे लेमन जूस डालेंगे। पहले मैं 1 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ और इसे हमें स्टर करते जाना है। थोड़ा मैं जो शुगर सिरप बन रहा है उसमें और थोड़ा पानी डाल दूंगी।
क्योंकि हमें चाशनी को सिर्फ चिपचिपा करना है, ज्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना डाला, अभी मैं और 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। मुझे तो पता है कि 1 लीटर यानी कि 2 पैकेट हमने 500 ग्राम के अमूल मिल्क में से हम बना रहे हैं, तो इसमें कितना लेमन जूस जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा होममेड प्रोसेस कर रही हूँ, एकदम स्टेप टू स्टेप हम जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे छेना बने तब तक आपको ऐड करते करते दिखाती जाऊंगी और प्रोसेस करती जाऊंगी। बहुत ही इजी है, आप इजीली इसे घर पे कभी भी कोई गेस्ट अचानक आ रहे हैं, आपके पास अमूल का कोई भी मिल्क हो, आप उसमें से ये गुलाब जामुन रेडी कर सकते हो। क्योंकि हमें छेना एकदम सॉफ्ट वाला छेना निकालना है, इसलिए हमें इसको धीरे धीरे प्रोसेस करना है। आप एक साथ में इतना पूरा रस डाल दोगे तो पूरा एकदम हार्ड पनीर बन जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का पनीर फट रहा है। अब मैं 1 टेबलस्पून और डालूंगी। ध्यान रहे जब भी हम लेमन जूस से पनीर बना रहे तो लेमन जूस जितना उतनी क्वांटिटी का हमको पानी भी ऐड करना है, ताकि जो लेमन की एक टिपिकल स्मेल होती है, लेमन की जो अरोमा होती है, वो पनीर के अंदर ना आए। देखिए पनीर धीरे धीरे फट रहा है हमारा, हमें पनीर को इसी तरह से फाड़ना है, दूध को इसी तरह से फाड़ना है, सॉरी, दूध में हमें धीरे धीरे लेमन जूस ऐड करते हुए पनीर को बनाना है, दूध को फाड़ते हुए पनीर बनेगा। और यहाँ पे हमने जो शुगर सिरप के लिए शुगर और वाटर डाला उसको भी एक बार स्टर कर देते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना है कि उसमें तार ना आए, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा हो उतनी हमें चाशनी बनानी है। दूध फट तो रहा है बट बहुत धीरे धीरे हम इसको फाड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। वापस हम 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस और जो पानी मिक्स किया हुआ हमारे पास लिक्विड है वो डालेंगे। बहुत धीरे धीरे हमको ये प्रोसेस करना है ताकि हमको एकदम सॉफ्ट वाला पनीर मिले। अभी भी हमारा दूध फटा नहीं है यानी कि पनीर अभी बना नहीं है, हम वापस 1 टेबलस्पून डालेंगे। हमने 2 मीडियम साइज के लेमन लिए थे और उसका जूस निकाल के रखा था और उस उतनी क्वांटिटी में हमने पानी ऐड किया था। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपने डायरेक्ट लेमन जूस डाल दिया तो इसके अंदर एक लेमन की अरोमा आएगी और कभी कभी इसमें बिटर टेस्ट भी आ जाएगा। देखिए अब पनीर एकदम सॉफ्ट वाला फट रहा है, हमारा दूध एकदम पनीर एकदम सॉफ्ट वाला बन रहा है, देख रहे हैं आप। बस हमें इसी तरह से पनीर को तैयार करना है, दूध को फाड़ना है। देखिए मेरा बेटा है वो वीडियो आपको बहुत पास से मोबाइल करके दिखा रहा है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए आप देख सकते हो पनीर बन रहा है, दूध एकदम अच्छे से फट रहा है और पनीर एकदम सॉफ्ट वाला तैयार हो रहा है। हमें इसी तरह का पनीर चाहिए। वापस हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना और डालेंगे,
क्योंकि अभी भी दूध पूरा फटा नहीं है, पनीर पूरा बना नहीं है। जैसे पनीर बनेगा, दूध पूरा फटेगा, तो दूध और पनीर दोनों अलग हो जाएगा, आपको पता चलेगा। देखिए देखिए अब पनीर बहुत ही बढ़िया बन गया है, दूध बहुत अच्छे से फट रहा है, पूरा दूध और पनीर दोनों अलग हो गया है, देख सकते हैं आप। हमने टोटल यहाँ पे 2 लेमन जूस लिया था, और जितना लेमन जूस निकला था, 2 लेमन का जूस लिया था, और जितना लेमन निकला था, जूस निकला था लेमन में से, उतनी क्वांटिटी का हमने पानी ऐड किया था। और अभी हमारे पास 1/4 लेवल का जूस और पानी बचा है। ये हमने 1 लीटर मिल्क में से पनीर बनाया है। अब हम इसको छलनी में छान लेंगे और पनीर और दूध को अलग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और उसके ऊपर छलनी रखी है। ये प्रोसेस आपको बहुत धीरे धीरे करना है। आप सब देख सकते हैं, दूध जो था हमारा, उसमें हमने लेमन जूस और वाटर मिक्स करके हमने जो लिक्विड ऐड किया था, उससे हमारा पनीर अच्छे से बन गया है। अब हम इसको स्ट्रेन करते हैं। देखिए हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट बना है, लेकिन इसको एक बार और हमें नॉर्मल वाटर से वापस करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर जो लेमन की अरोमा है, उसको हमें वॉश करना पड़ेगा पनीर को। पहले हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। ये जो पनीर में दूध का जो पनीर अलग होके पानी निकला, ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें से आप रोटी का आटा गूंद सकते हो, पराठे का आटा गूंद सकते हो, नान वगैरह में भी यूज कर सकते हो। अभी तो रात का टाइम है, इसमें हमें काम लगेगा नहीं, तो हम इसको साइड में कर देते हैं। अब मैं वापस इसके अंदर जो नॉर्मल वाटर है, उससे हम इसको पनीर को अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इसके अंदर जो लेमन की अरोमा आएगी वो निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, और मेरी प्रोसेस आपको कैसी लग रही है, होममेड प्रोसेस, प्लीज आप यहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा बेटा मेरा वीडियो ले रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें पनीर को अच्छे से वॉश करना है। इसके 2 फायदे, एक तो हमारा पनीर बहुत गर्म है तो वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, और इसके अंदर जो लेमन की अरोमा आएगी वो भी निकल जाएगी। मैं ये पूरा होममेड जैन प्रोसेस कर रही हूँ, आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। बस इसी तरह से हमें सॉफ्ट वाला पनीर चाहिए। ये पनीर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हमारा अंदर का जो लेमन की अरोमा है वो भी निकल जाएगी। हमारे पास अभी बहुत टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको मलमल के कपड़े में बांध के टिंगा नहीं रहे। बाकी अगर आप इसको मलमल के कपड़े में बांध के आधा घंटा के लिए, हाफ आवर के लिए आप कहीं पे भी टिंगा दोगे, तो उसमें से पानी पूरा निकल जाएगा और पनीर आपको एकदम सॉफ्ट वाला मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस हम ऐसे भी कर सकते हैं।
देखिए ये और पनीर में से थोड़ा पानी और मिल्क इकट्ठा होके यहाँ पे हमने निकाल लिया है, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो पनीर है उसको हम एक प्लेट में ले रहे हैं। हमने इसको मुलायम कपड़े में डाला नहीं है, मलमल के कपड़े में, हम यहाँ पे तुरंत ही आपको प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये प्रोसेस करूंगी, तब तक मैं यहाँ पे घी भी, जो मैंने प्योर अमूल का घी लिया है, अमूल का प्योर घी, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ गरम करने के लिए। अभी हमें ये लेमन जूस वाला पानी नहीं चाहिए तो हम इसको साइड में कर देते हैं। और ये मैंने यहाँ पे गुलाब जल जो बोलते हैं वो रखा है। अगर आपको पसंद है, जब गुलाब जामुन बन जाता है और थोड़ा कूल टेम्परेचर पे हम रख देते, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में आप फ्रेग्रेंस के लिए, अंदर खुशबू के लिए गुलाब जल डाल सकते हो। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना मत डालिए। अभी मैं इसको वर्क कर रही हूँ, ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। हमें इसके बॉल्स बनाने हैं और ये सिर्फ छेना है हमारा, पनीर है। आप चाहो तो इसे, वैसे तो हम लोग जैन लोग हैं तो हमारे उपवास में तो सिर्फ पानी पिया जाता है, ये सब चीजें खाई भी नहीं जाती। बट जो अदर कास्ट है, जैसे वो लोग कभी कभी गुरुवार थर्सडे करते हैं, कभी संडे करते हैं, कभी सैटरडे करते हैं, और वो लोग फराड़ वगैरह लेते हैं, तो ये गुलाब जामुन वो आराम से यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमने इसमें लेमन जूस डाला है, अगर आपने विनेगर डाला होता तो वो यूज नहीं होता, लेकिन हमने लेमन जूस डाला है तो लेमन को भी उपवास में खाया जाता है। हमारे जैन उपवास में तो कुछ भी खाया नहीं जाता पानी के अलावा। इसको इस तरह से मसलना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है ना वो पूरे टूट जाए और एकदम स्मूथ पनीर बन जाए। अब इसको बाइंडिंग के लिए भी इसमें कुछ डालना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैंने अभी उपवास में यूज कर सकते, जैन के अलावा जो उपवास होते हैं उसमें, तो आप सोचो कि इसमें क्या डालते होंगे कि हम फराड़ में ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैं अमूल का जो मिल्क पाउडर आता है ना वो ऐड करूंगी। जनरली बाजार में लोग मैदा ऐड करते, आरारोट ऐड करते, कुछ लोग व्हीट फ्लावर ऐड करते, कुछ लोग साबूदाना का पाउडर आता है वो ऐड करते, लेकिन हमारे में तो ये सब खाया नहीं जाता है, तो मैं इसके अंदर अमूल का पाउडर डालूंगी। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में ये प्रोसेस हो जाती है। बट इसको ठंडा करके, जैसे गर्मी है तो आपको ठंडा खाने का पसंद है तो आप इसे ठंडा करके खाइएगा, और जैसे विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में आपको गरम गरम चीज़ें पसंद है तो आप इसे बना के तुरंत ही गरम गरम यूज़ कर सकते हैं। पनीर को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब हम इसको डिप फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर दूध का और पानी का जो लेवल रहा है वो इसके अंदर डिप फ्राई करने में बहुत परेशानी होगी और बहुत जल्दी वो ब्राउन हो जाएगा। देखिए हमने जब पनीर बनाया था तब कैसा था और अभी हमारा पनीर कैसा लग रहा है। अगर हमने इसको आधा घंटा मलमल के कपड़े में बांध के टिंगा के रखा होता तो हमें इतना टाइम नहीं लगता। ये एक बार हम अपनी सुगर सिरप भी देख लेते हैं, यानी कि चाशनी देख लेते हैं।
भी थोड़ा सा टाइम है, पूरा एक तार हमें नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा हल्का सा चिपचिपा करना है उसको। तब तक हम यहाँ पे गुलाब जामुन डीप फ्राई करेंगे, हमारी चाशनी भी तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये स्मूथ तो हो गया, अब इसके अंदर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये भी हमने अमूल का ही यूज किया है, इन अंदर डाल बटी में। अब इसके अंदर भी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, बिकॉज मेरे को पता है इसमें कितना जाएगा, लेकिन अगर आप नए हो लर्नर, यहाँ पे नया सीख रहे हो, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना ऐड करेंगे। तो आप इसमें धीरे धीरे डालें, और एक बाइंडिंग जैसा, एक गोले जैसा बनना चाहिए, जैसे हम डॉ बनाते ना उस टाइप का। ये मैंने 10 रुपीज वाला जो अमूल्या का पैकेट है वो यूज किया है। अभी मैंने हाफ डाला है, मिक्स करके देखती हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं पूरा डाल दूंगी, और दूसरा भी चाहिएगा तो हम और डालेंगे। देखिए हमें इसको एक टाइट बाइंडिंग आया वैसा हमें बॉल बनाना है इसका। मैंने एक पैकेट पूरा डाल दिया है, अब मैं दूसरा पैकेट खोला, मैंने थोड़ा और डाल रहे अपन। अब मैं ये पूरा डाल रही हूं। ये प्रोसेस करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रेस्ट देना है। ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप चाहो तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख रही हूं। तब तक हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। अभी नहीं हुई है, हल्का सा चिपचिपा हो वहां तक हमें चाशनी बनानी है। पूरा एक तार नहीं बनाना है, एक तार से भी थोड़ा कम। अभी एक तार भी नहीं हुआ है, हम गैस को फास्ट कर देते हैं। Thank you.
एक बार हम फिर से चेक करते हैं चाशनी को। देखिए हमारी चाशनी हो गई है, मतलब गुलाब जामुन के लिए जैसे चाहिए वैसा हो गया है। हल्का सा चिपचिपापन आ गया है चाशनी में। हम गैस को बंद करेंगे। अभी हम गुलाब जामुन का जो फ्रिज में रखा था वो निकाल रहे हैं। फ्रीजर में रखा था मैंने। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखा। ये जितनी देर ज्यादा रहेगा उतना रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। अब हम इसमें से बॉल्स बना रहे हैं। इसके लिए पहले मैं हल्का सा घी हाथ पे ले लूंगी। और मैं बॉल बना रही हूं। ध्यान रहे हमारा बॉल बिल्कुल भी क्रैक वाला नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ बॉल बनना चाहिए। और पहले हम एक ही गुलाब जामुन को डीप फ्राई करके देखेंगे। अगर वो अच्छे से घी में डीप फ्राई हो रहा है तब तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं वो फट रहा है तो फिर हम इसमें मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। घी हमारा गरम हो गया है। इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है ज्यादा, बिकॉज हम ज्यादा हिलाएंगे तो बीच में क्रैक आ जाएगा। ऊपर ऊपर इस तरह से घी डालते जाइए, फिर थोड़ा सा जब ब्राउन होने लगे तभी इसको उल्टा कीजिए। देखिए गुलाब जामुन बहुत अच्छे से डीप फ्राई हुआ है, तो हम इस तरह से बाकी भी अपने गुलाब जामुन डाल रहे हैं अंदर। देखिए आप साइज छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अभी मीडियम साइज का कर रही हूं। जो एक डीप फ्राई हो गया उसे हम निकाल लेंगे। आप चाहो तो लाइट ब्राउन भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। डार्क करना पसंद करते हो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको डीप फ्राई कर सकते और जैसे जैसे हमारे गुलाब जामुन डीप फ्राई हो रहे हैं हमें वो जो शुगर सिरप बना है उसके अंदर हमको डालना है। आप देखिए कितना बढ़िया हमारा गुलाब जामुन डीप फ्राई हुआ है।
मैं उसके अंदर डाल रही हूँ चाशनी में। इस तरह से आपको सभी गुलाब जामुन को डीप फ्राई करना है। मैं एक बार सारे गुलाब जामुन बना के डाल देती हूँ, उसके बाद में हम चाशनी में डाल देंगे, बिकॉज हमारा घी भी गर्म हो गया है। ये पनीर में से बना रहे इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस करना है। देखिए इसको हम फरारी गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं। जनरली पनीर में से हमने रसगुल्ले बहुत खाए, आपने शायद गुलाब जामुन ट्राई नहीं किया होगा, तो आज हमने पनीर में से गुलाब जामुन बनाए हैं। आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप जब भी बनाओ तो आप हमारे ये अमूल के पेज पे अपनी रेसिपी अपलोड कीजिएगा, और आप अपने फीडबैक मेरे यहाँ पे मेरे ये लाइव सेशन पे देना मत भूलिए। आपके घर में बनाने के बाद सबको पसंद आया कि नहीं ये भी आप जरूर बताइए। ये जब थोड़ा सा डीप फ्राई हो जाए ना उसके बाद ही इसे उल्टा कीजिएगा। जब हम इसके अंदर डालेंगे ना तब एक बार वापस इसको फिनिशिंग दे देंगे, अच्छे से गोल राउंड शेप दे देंगे इसको। आप चाहो तो इसमें फिंगर शेप भी दे सकते हैं। फिंगर शेप यानी कि गुलाब जामुन, जामुन जैसा शेप भी आप दे सकते हो। एक बार मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ। ये जो डीप फ्राई हो गया उसे हम निकाल लेते हैं। एक बार ये थोड़ा सा नीचे से चिपकेगा घी के अंदर, लेकिन वो जब डीप फ्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसे उल्टा कीजिए, बिकॉज ये पनीर में से बनाया है इसलिए एकदम सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। ये हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारे ये जो गुलाब जामुन रेडी है उसको हम शुगर सिरप में डाल देते हैं। वैसे गुलाब जामुन के मावे में से बनते हैं, फिर हमारा जो गाय का दूध होता है उसका ही मावा बनाया जाता है उसमें से बनते हैं, लेकिन आज हमने अमूल गोल्ड दूध में से बनाया है और पनीर छेना बना के हम पनीर के गुलाब जामुन बना रहे हैं, यानी हम एक फ्यूजन रेसिपी तैयार कर रहे हैं। ये खाने में इतने सॉफ्ट लगेंगे आपको बार बार खाने का मन होगा।
अगर आप ये फास्टिंग के लिए नहीं कर रहे हो, यानी कि आप जैसे नॉर्मल कभी भी सैटरडे फ्राइडे कोई भी मतलब डे फास्टिंग के लिए करते हो, तब उसमें फरार खाना पसंद करते हो, तो अगर आप फरार ही नहीं बना रहे, ऐसे नॉर्मल रूटीन में खाना है, तो आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर का भी एक लेयर लगा सकते हैं। जैसे गोले बनाने के बाद कॉर्नफ्लोर की जो पाउडर अपना फ्लावर होता है उसके अंदर आप उसको हल्का सा कोटिंग दे दो और उसके बाद भी आप डीप फ्राई कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं वो एकदम हेल्दी बना रहे हैं, और आप लोग जो गुजराती पीपल हो या अदर पीपल जो भी है, तो वो फास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। डालने के टाइम आप इसे गोला अच्छे से बना लीजिए। ध्यान रहे हल्का सा दूर दूर रखिएगा, नहीं तो ये पनीर है सॉफ्ट है, एक दूसरे से चिपक जाएगा। एक बार थोड़ा डीप फ्राई हो जाएगा उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो हमारे गुलाब जामुन बन गए वो मैं शुगर सिरप में डाल रही हूं। गुलाब जामुन को कम से कम 2 to 3 hours के लिए शुगर सिरप में डाल के रखना है, ताकि उसकी जो मिठास है वो अंदर तक आए। ये सिर्फ पनीर में से बना रहे हैं और मिल्क पाउडर यूज किया है, इसलिए बहुत जल्दी डीप फ्राई हो रहा है, तो आप ध्यान से इसको वर्क कीजिए। तो वापस अच्छे से गोला बना लो। दोनों अलग अलग रखना, नहीं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। देखिए हमने इसमें डाल दिया, लेकिन इसके अंदर हमको 2-3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, और ये जैसे जैसे शक्कर की चाशनी अंदर तक जाएगी गुलाब जामुन हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों को डीप फ्राई कर लूं, उसके बाद में उसमें डाल देती हूं। आपको मेरी ये हेल्दी फ्यूजन रेसिपी कैसी लगी आप मुझे जरूर यहाँ पे फीडबैक दीजिएगा।
देखिए मैं उसको डिफ्राई हो गया, उसके अंदर डाल रही हूँ शुगर सिरप में। इसी तरह से इसको भी निकाल रही हूँ। मैं गैस को बंद कर रही हूँ। तो देखिए हमारे ये पनीर के गुलाब जामुन बनके तैयार है, बट इसको खाने के लिए अभी 2-3 घंटा और लगेगा, 2-3 आवर्स, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डीप होगा और इसके अंदर शक्कर की चाशनी अंदर तक जाएगी, तब जाके इसमें मीठापन आएगा। तो अभी हम सर्विंग बाउल में उसको सर्व करते हैं। अभी तो बहुत गर्म है गुलाब जामुन, इसको इसी तरह से 2-3 आवर्स के लिए इसी में रखना है, ताकि वो एकदम ठंडा भी हो जाएगा और इसकी चाशनी अंदर तक चली जाएगी। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारे पनीर के गुलाब जामुन फ्यूजन रेसिपी, प्योर होममेड जैन रेसिपी। आपको कैसी लगी आप अपने फीडबैक यहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा। Thank you.